बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नवीद भाई में, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रेशर हमने ले आए हैं और अभी निकाल रहे हैं जी खड्डे, तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फंडाई शुरू करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। अड्डा लगाने के लिए एहतशाम खड्डे निकाल रहा है जी। मशीन के दोनों टायरों के पिछले वाली साइड पर ना दो खड्डे निकालने होते हैं, एक ये है और दूसरा ये। अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट कर दिया और वसीम भाई और एहतशाम फंडाई कर रहे हैं। नहाल और गजाल जो है ना वो जो चावल की वो दाने वो उठा रहे हैं, और मैं यहाँ से जो पीछे मंजूर हैं ट्राली के ऊपर जो है उनको दे रहा हूँ।
मुंजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ख़त्म हो गई है, अभी लेके जाने हैं दाने घर, और टाइम हो गया जी 6:45, तो तकरीबन घर पहुँचते पहुँचते 8:30 इतना टाइम हो जाएगा। रात को अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी लेट आए थे। लेट क्यों आए थे कि हमने नीचे ट्रैली के ऊपर दाने लोड किए थे, और ऊपर हमने इरादा कर लिया था कि यार जानवरों का जो खुशक चारा जिसे हम बोलते हैं पराली, वो भी साथ ही लेके चलते हैं, एक ही बार जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप जी, ये मैं ले कर आया था जानवरों के लिए चारा। तो पहले तो बाहर खेत में लगा देते थे, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं कि मैं हवेली ले आता हूँ। सर्दियों में ये होता है कि बाहर से सिर्फ सब्ज चारा ही लेके आना पड़ता है, और खुशक चारा वहाँ से लेके कुदर के जानवरों को डाल देते हैं, काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अभी टाइम हुआ है जी 7:45, तो अब जाके आँख खुली है। अभी मैं और वसीम भाई पता करने जा रहे हैं हार्वेस्टर का, वसीम भाई की जो ना 5 एकड़ चावल की फसल रह गई थी अभी कटाई करवाने वाली, तो वो नाला डेक जो ना जिसे हम बोलते हैं बसंतर, उस साइड पर थी, तो वो रह गई थी, बाकी जो विलेज वाली साइड पर वो सारी कटवा ली थी। तो अभी जाकर पूछते हैं भाई लोगों से कि अगर टाइम है तो अभी हमें काट दो, अगर नहीं तो दूसरे भाइयों की काट रहे होंगे, तो कुछ देर बाद हमारी भी इंशाल्लाह कट हो जाएगी फसल वसीम भाई की। तो ये काश्त की थी उस दिन जिस दिन बी खिलाड़ने आए थे, तो अभी बाहर तो नहीं निकली। एक वो लगा हुआ जी हार्वेस्टर, ये ठीक है, और जिस हार्वेस्टर से हमने कटवानी है ना वो इस साइड पे नहीं अभी आया, तो विलेज वाली साइड पे है, उसका जाके उधर पता करते हैं जी। अभी मैं जंगल वाली साइड पे, मेरे साथ हैं अंकल नियामत, ये भी जानवर चरा रहे हैं, और वो पीछे जमशेर भाई, तो वो भी अपने जानवर लेके आए हैं। इधर चावल की फसल थी तो उसकी कटाई हुई है, और साथ में जो थंब के ऊपर घास होती है ना उधर जानवर चरा रहे हैं। ये पीछे जंगल है जी क्या सारा, और इस साइड पे ये सारा नाला डेक, और कश्ती का व्यू भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं।